लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। कमलनाथ सरकार जल्द ही महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मकों का कानून बनाने जा रही है। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने अपने आवास पर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही प्रदेश में मकोका के जैसा कानून बनेगा। वहीं मंत्री शर्मा ने कहा कि यूरिया के संकट को लेकर कृषि मंत्री सचिन यादव ने केंद्र से 2 लाख टन यूरिया की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में यूरिया संकट नहीं आने देगी। मंत्री पीसी शर्मा ने NRC को संविधान के विपरीत बताते हुए कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। समाप्त हुआ है, उसको पुनः स्थापित करना और जनता का विश्वास जीतना ये मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। और इसमें प्रशासन और पुलिस को फ्री हैंड हर शहर में माफिया के खिलाफ दिया जाएगा, उसकी लिस्ट बनेगी और हर स्तर पर इसमें मॉनिटरिंग होगी और DGP CS और CM इस पर पूरी नज़र रखेंगे। वो जिलों के SP रोज माफिया पर की गई कार्रवाई के बारे में जो कंट्रोल रूम होगा पुलिस मुख्यालय का, उसको जानकारी देते रहेंगे। दूसरा, एक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में आर्थिक रूप से कमज़ोर को भी लाभ मिलेगा, ये तय किया गया है। उसकी मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी। यूरिया के मामले में कृषि मंत्री सचिन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक मंत्री से भेंट की है और उन्होंने लंबित 2 लाख टन यूरिया को यथाशीघ्र आपूर्ति करने की मांग की है।